नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। एक गैंग के साथ हथियार की नोक पर लोगों को खंगाल लेते। गैंग के साथियों ने झारखंड के देवघर, गिरिडीह और जामताड़ा में एक के बाद एक वारदातें करके लोगों में अपना खौफ पैदा कर दिया। लेकिन जब गैंग के साथियों ने जामताड़ा में एक के बाद एक कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया तो SP जामताड़ा ने SDPO अरविंद उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम बनाई। अपनी कार्यकुशलता के दम पर पुलिस टीम ने जल्द ही गैंग के सरगना समेत चार अपराधियों को धर दबोचा। पिछले कुछ एक हफ्तों में जामताड़ा में कुछ लूट और छिनतई घटना घटी थी। एक घटना जामताड़ा में हुई थी, एक करमाटा में और एक नारायणपुर में। उस गैंग का उद्भेदन कर लिया गया है जिसमें कि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी पूरी टीम जो कि SDPO जामताड़ा के निर्देश में काम कर रही थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और न सिर्फ इन चार लोगों को पकड़ा है बल्कि उनके साथ तीन लूटी हुई गाड़ियाँ, जो डिलीवरी बॉय से जो छिनतई की जो सारा सामान, ये सारा भी इन्होंने रिकवर किया है और एक पिस्टल 5 गोलियों के साथ भी रिकवर हुआ है। हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे, ऐसा कोई भी गैंग जो अचानक अपना सर उठाने लगता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके हम लोग उनको जेल भेजें ताकि इस तरह के अपराधी डरे कि पुलिस उनके पीछे लगी रहेगी, उनको आराम से अपराध करने का मौका नहीं दिया जाए। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि इस सातिर गैंग का नेटवर्क कहां कहां तक फैला है ताकि इनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। वहीं कई जिलों में आपराधिक वारदातें करने वाले एक सातिर गैंग के पर्दाफाश से इलाके के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। AIR न्यूज के लिए जामताड़ा से अर्णेश कुमार की रिपोर्ट।